Hello friends, I'm Mukesh and you are watching Bullport Business. तो फ्रेंड्स आज के इस फ्रेश वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि Dream11 क्या है और Dream11 का बिजनेस मॉडल क्या है, Dream11 को कितनी बार फंडिंग मिल चुकी है और कितनी कंपनियों ने Dream11 में इन्वेस्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा जिससे आपको Dream11 के बिजनेस मॉडल के बारे में समझ में आएगा कि यह कमाती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। Dream11 एक ऑनलाइन फैंसी कंपनी है जहां पर आप ऑनलाइन क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी खेल सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। यह एक सट्टे की तरह होता है। अब आप सोच रहे होंगे सट्टा यह इलीगल होता है, बट यह गेम इलीगल नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यह गेम लीगल है क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए फास्ट माइंड और क्रिकेट की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए इसमें सारा कुछ लक पर नहीं डिपेंड है, इसमें कुछ बातें आपके नॉलेज पर भी डिपेंड है, इसलिए यह लीगल है। जबकि यह प्ले स्टोर और उनके प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग यह वायलेंस है जिसके कारण यह ऐप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलता। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आपको इसके पर्सनल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जहां पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो Dream11 मुंबई इंडियन बेस्ड कंपनी है जो 2008 में रजिस्टर्ड हुई थी और इसके फाउंडर हर्ष जैन हैं। इसके अंदर चार कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है जिसमें से दो कंपनी इंडिया की है और तीसरी कंपनी जो है वो चाइना की है और चौथी कंपनी हांगकांग की है। और इसे 5 राउंड फंडिंग मिल चुकी है जिसमें से टू राउंड फंडिंग इसे 2015 में ही मिल चुकी थी और तीसरी राउंड फंडिंग इसे 2017 में मिली थी और फोर्थ राउंड फंडिंग इसे 2018 में $100 मिलियन की फंडिंग मिली थी। और इस साल इसे हाल ही में 9 अप्रैल में इसे 5 राउंड फंडिंग मिली जिसका प्री वैल्यूएशन $1 बिलियन है। तो अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि Dream11 कमाती कैसे है। तो Dream11 के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स यूजर्स की एंट्री फीस है। जब भी कोई भी यूजर Dream11 को इंस्टॉल करता है, रजिस्टर करता है, तो इसका रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। और जब कभी भी आप टीम क्रिएट करते हैं तो उसके अलग अलग प्राइसेस रहते हैं। मान लीजिए आप कोई टीम क्रिएट करते हैं और उसकी एंट्री फीस 30 रूपए है और आपके टीम में 20 लोग हैं तो इसका मल्टीपल करने पर 600 रूपये आता है जिसमें से 100 रूपये Dream11 खुद रख लेता है और बचे हुए पैसों में से 20% वो फर्स्ट विनर को देता है। उसके बाद उसमें से बचे हुए पैसे को अदर प्लेयर्स को देता है जो फर्स्ट विनर्स के बाद होते हैं। तो यह एक टीम से 100 रूपये कमाती है। तो इस तरह मान लीजिए कि 100 लोग अपना अलग अलग टीम बनाकर खेल रहे हैं तो यह सबसे अलग अलग 100-100 रूपये लेती है। तो इसका मल्टीपल करने पर हमें पता चलता है कि यह टोटल 10,000 रूपये कमाती है। तो इस तरह की बहुत सारी टीमें हैं जिससे वह अलग अलग 100 रूपये लेता है जिसके कारण इसका अमाउंट बढ़ता जाता है और उसे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो यह गेम केवल 18+ एज वालों के लिए है। इस गेम में आप एक बार में 6 टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने अपना कोई एक टीम क्रिएट कर लिया और किसी कारण से बारिश की वजह से मैच रुक गया तो क्या आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं? अगर क्रिकेट बारिश की वजह से रुका हुआ है तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। यदि आप Dream11 के हिस्ट्री के बारे में टोटल में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम इसके बारे में पूरी वीडियो बनाएंगे, पूरा विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। तो आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और हमें जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।